हेलो, क्लाउड कंप्यूटिंग की वीडियो लेक्चर सीरीज में आज हम देखेंगे हिस्ट्री ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। और सबसे पहले हम देखेंगे उसमें क्लाइंट सर्वर टेक्नोलॉजी क्या होती है और कैसे वो क्लाउड कंप्यूटिंग की एक तरह से बैकबोन आप उसको कह सकते हो। तो शुरू करते हैं हिस्ट्री ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग से। सो 1999 में जब क्लाउड कंप्यूटिंग की हम बात करते हैं तो एक कंपनी थी जिसका नाम था Salesforce.com, और Salesforce.com इस टाइम पे मार्केट के अंदर एंटर हुई थी। और आज अगर आप देखते हो ये कंपनी एक बहुत बड़ी कंपनी बन गई है, और बेसिकली ये डील करती है CRM के अंदर, ठीक है। सो 1999 में Salesforce आई थी, और अब आज के टाइम में ये एक तरह से आप कह सकते हो इट इज़ अ पायोनियर ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। देन 2002 में आया था, अमेज़न ने लॉन्च किया था जिसको हम बोलते हैं AWS या फिर अमेज़न वेब सर्विसेस। सो अमेज़न वेब सर्विसेज, अगेन ये बहुत ही एक बड़ा चेंज था क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर। अब अमेज़न वेब सर्विस में क्या था, इसमें यूज़र को एक कस्टमाइज क्लाउड कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट मिल रहा था या सर्विसेज मिल रही थी। मतलब कि अगर यूज़र को अपने हिसाब से स्टोरेज चाहिए, कंप्यूटेशन पावर चाहिए, तो वो अमेज़न वेब सर्विसेज के थ्रू ले सकता है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कस्टमाइज्ड क्लाउड सर्विसेज। सो कस्टमाइज क्लाउड सर्विसेज मिल रही थी अमेज़न वेब सर्विसेज के थ्रू। देन इन द ईयर 2009 अनदर बिग इन्वेंशन अकर इन द एरिया ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग, एंड गूगल सर्विसेज एंटर इन टू द क्लाउड, और गूगल एंटर इन टू द क्लाउड सर्विसेज विद द फीचर नोन एज गूगल सर्विसेज और गूगल एप्स। सो गूगल ऐप्स जैसे कि आप देखते हो स्प्रेडशीट हो गई, डिफरेंट टाइप्स के आपके डॉक्यूमेंट्स हो गए जिसको आप गूगल के ऊपर स्टोर कर सकते हो, गूगल ड्राइव हो गई, वो सब एंटर की थी 2009 में। सो दिस इज़ द हिस्ट्री ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। अब अगर हम बात करते हैं सबसे पहले क्लाइंट सर्वर टेक्नोलॉजी की, तो हम कह सकते हैं कि क्लाइंट सर्वर टेक्नोलॉजी इज़ द बैकबोन और इट इज़ द टेक्नोलॉजी विच इज़ बिहाइंड क्लाउड कंप्यूटिंग। अब क्लाइंट सर्वर टेक्नोलॉजी होती क्या एक्चुअली, एक बार इसका थोड़ा सा डायग्राम देखते हैं फिर समझ में आएगा कि कैसे ये काम करती है। सो क्लाइंट सर्वर टेक्नोलॉजी में क्या होता है, बेसिकली वी हैव अ सर्वर। सो वी हैव अ सर्वर एंड देर आर डिफरेंट क्लाइंट्स। सो लेट अस से क्लाइंट वन C1, क्लाइंट टू C2, क्लाइंट 3 C3 और क्लाइंट 4 C4। तो हमारे पास क्या है, यहाँ पे एक सर्वर है और हमने यहाँ पे 4 डिफरेंट क्लाइंट्स लिए। नाउ होता क्या है, इसमें जितनी भी एप्लीकेशंस हैं या डेटा है वो सब कहाँ पे होता है, सर्वर के पास। सो डेटा एंड एप्लीकेशंस आर स्टोर्ड ऑन द सर्वर। सो डेटा एप्लीकेशन कहाँ पे, सर्वर के पास है। अब जिस भी क्लाइंट को इस डेटा और कुछ एप्लीकेशंस का मतलब है यहाँ पे किसी सॉफ्टवेयर को यूज़ करना है, तो वो क्या करेगा, सर्वर के पास रिक्वेस्ट भेजेगा। लेट अस से हम कह रहे हैं रिक्वेस्ट R1 क्योंकि क्लाइंट C1 से आ रही है। अगर सर्वर के पास ये दोनों चीज़ें अवेलेबल हैं तो वो इन रिटर्न इसको रिस्पॉन्स कर देगा विद दी सर्विसेज। ऐसे ही क्लाइंट C2 भी रिक्वेस्ट भेजेगा, क्लाइंट C3 भी रिक्वेस्ट करेगा, क्लाइंट C4 भी रिक्वेस्ट करेगा। अगर सर्विसेज हैं तो रिस्पॉन्स वापस जाता है। सो दिस इज क्लाइंट सर्वर टेक्नोलॉजी, ठीक है। सो इसमें क्या होता है कि जो सर्वर है वो आपका सेंट्रलाइज अप्रोच होती है बेसिकली, जिसके पास अपनी डेटा और एप्लीकेशन होता है। और क्लाइंट क्या है, क्लाइंट आपके यूजर्स हैं डिफरेंट जो इस डेटा और एप्लीकेशन को यूज़ करते हैं थ्रू सर्वर। सो बेसिकली जो क्लाउड है वो भी कुछ इस तरह से ही काम करता है। अब यहाँ पे जो सर्वर था बेसिकली उसको हमने क्या किया, उसको हमने एक क्लाउड की फॉर्म में कर दिया, या आप कह सकते हो कि क्लाउड कंप्यूटिंग की तरह हमने उसको यूज़ कर दिया। और डिफरेंट डिफरेंट क्लाउड्स आपस में एक दूसरे से इंटरेक्ट भी करते हैं। सो आगे चल के क्या हुआ कि जो आपका क्लाइंट सर्वर टेक्नोलॉजी था वही एक तरह से बेसिक स्टार्टिंग पॉइंट बना किसका, क्लाउड कंप्यूटिंग का। सो नाउ लेट अस टॉक अबाउट द एडवांटेजेस ऑफ क्लाइंट सर्वर टेक्नोलॉजी एंड द डिसएडवांटेजेस ऑफ क्लाइंट सर्वर टेक्नोलॉजी।
सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है, आप यहाँ पे देख रहे हो कि जो इसका सर्वर है दैट इज़ अ सेंट्रलाइज, सो इसमें सेंट्रलाइज कंट्रोल होता है। अब जब भी सेंट्रलाइज कंट्रोल अगर आपके पास होता है तो चीज़ों को मैनेज करना इजी होता है। सो सेंट्रलाइज कंट्रोल से क्या इजी टू मैनेज होता है और ज़्यादा सिक्योर भी होता है, ठीक है, क्योंकि जो भी चीज़ आपके पास यहीं पे ही है तो आपको ऐसा नहीं है कि दो डिफरेंट सर्वर्स के पास है तो आपको उनसे कुछ इंटरेक्शन करना है, सेंट्रलाइज कंट्रोल है बेसिकली इसमें। सो देन सेकेंड इज इट इज़ मैनेज्ड बाय ट्रस्टेड एडमिनिस्ट्रेशन। अब जो इस सर्वर को मैनेज करेगा वो एक ट्रस्टेड एडमिन होगा, ऐसा नहीं है कि हमने कुछ रैंडमली कुछ यूजर्स को दे दिया है, तो ट्रस्टेड एडमिन को दिया जाता है। देन बैकअप प्लान इज ऑलरेडी इन प्लेस, सो बैकअप इज देयर फॉर रेप्लिकेशन। अब इसका मतलब क्या है देखो मैं बताता हूँ आपको। बैकअप का मतलब क्या है, जैसे इस सर्वर को हम कह देते हैं डेटा इट इज सर्वर S1, इस सर्वर के अंदर डेटा और एप्लीकेशन है, तो जो जो डेटा या एप्लीकेशन ये क्लाइंट्स अपनी यहाँ पे डाल रहे हैं या चेंज कर रहे हैं उसका एक रेप्लिकेटेड कॉपी और सर्वर्स के अंदर भी क्रिएट होती रहती है। सो लेट अस से दिस इज सर्वर 2 और ये इससे एक तरह से सिंक होता है, और जैसे ही अगर इसको कुछ हुआ लेट अस से दिस सर्वर गोज डाउन तो क्या होगा, ये सर्वर इसकी जगह ले लेगा। सो S2 विल रिप्लेस S1, S2 विल रिप्लेस S1, सो दैट इज बैकअप फॉर रेप्लीकेशन। देन द नेक्स्ट एडवांटेज इज ईजी टू अपडेट। अगेन ये सारी बातें क्यों हो रही हैं, क्योंकि ये सेंट्रलाइज अप्रोच है, सो इट इज़ वेरी ईजी टू अपडेट द सर्वर, एंड देर आर रिमोट सर्विसेज दैट यू कैन ऑफर फ्रॉम दिस। रिमोट सर्विसेज का मतलब क्या हुआ सीधा, अगर आपका सर्वर सपोज दिल्ली में है और आपका यूज़र बॉम्बे में है तो वो वहाँ से भी उस सर्विसेज को यूज़ कर सकता है। एंड द फाइनल इज सिक्योर एंड सेफ। अब सिक्योर एंड सेफ की बात किन किन पॉइंट से आती है, वो आती है इन पॉइंट से कि ये एक तो सेंट्रलाइज्ड है एंड मैनेज बाय ट्रस्टेड एडमिन, बैकअप इज देयर, सो इन सब चीज़ों से मिलके ये बनता है सिक्योर एंड सेफ। तो ये तो कुछ एडवांटेजेस ऑफ क्लाइंट सर्वर टेक्नोलॉजी। नाउ लेट अस लुक सम ऑफ द डिसएडवांटेजेस ऑफ क्लाइंट सर्वर। सबसे बड़ी बात क्या है कि सिंगल सर्वर है, जनरली हम सिंगल सर्वर की ही बात कर रहे हैं, अगर हम मल्टीपल सर्वर्स के पास जाएंगे तो हम उसको कहेंगे डिस्ट्रीब्यूटेड टेक्नोलॉजी होती है। तो सिंगल सर्वर की बात जब हम करते हैं तो कई बार कंजेशन हो सकता है। नाउ कंजेशन का मतलब क्या हुआ, देखो सपोज़ ये सर्वर है, अब इसके पास रिक्वेस्ट आ रही हैं, बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही हैं, एन नंबर ऑफ रिक्वेस्ट आ गई, तो ये इन सब रिक्वेस्ट को तो एक साथ हैंडल नहीं कर सकता, सो इट लीड्स टू कंजेशन। सो कंजेशन का मतलब अनेबल टू हैंडल ऑल द रिक्वेस्ट एट द सेम टाइम और अनेबल टू हैंडल मल्टीपल रिक्वेस्ट। साइमल्टेनियसली इतनी सारी रिक्वेस्ट को हैंडल नहीं कर पाएगा सर्वर, तो कंजेशन हो जाएगा। देन सपोज आप कुछ डाउनलोड या अपलोड कर रहे हो, सो डाउनलोड और अपलोड मे गेट डिसकंटिन्यू ड्यू टू सम फेलियर। आपका इंटरनेट कनेक्शन डाउन हो गया, पावर चली गई, तो उससे क्या होगा, जो भी अगर आप डाउनलोड या अपलोड कर रहे हो वो डिसकंटिन्यू हो जाएगा। देन मैनेजमेंट इज कॉस्टली। एक क्लाइंट सर्वर टेक्नोलॉजी को मैनेज करना कंपैरेटिवली कॉस्टली होता है, ठीक है। देन द फाइनल इज एक्सपर्ट आईटी सर्विसेज इज रिक्वायर्ड, अगेन इट लीड्स टू एक्सपेंसिवनेस ऑफ द टेक्नोलॉजी। सो एक्सपर्ट आईटी सर्विसेज इज रिक्वायर्ड टू हैंडल द सर्वर। सो दीज आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ क्लाइंट सर्वर टेक्नोलॉजी, जो आगे चल के क्लाउड कंप्यूटिंग की एक तरह से स्टार्टिंग पॉइंट या बैकबोन बनी थी।
सो दिस इज ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो. प्लीज सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल फॉर मोर सच ट्यूटोरियल्स. थैंक यू.